हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के लेक्चर में हम एडवांस्ड इफेल्स पढ़ेंगे। सो एडवांस्ड इफेल्स में मैं कुछ मल्टीपल न्यू टॉपिक्स कवर करूंगी, जैसे कि नेस्टेड इफेल्स स्टेटमेंट्स हो गए, बूल फंक्शन हो गया और लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, अलॉन्ग विद रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि इफेल्स की कंडीशन में यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स कंडीशंस बनाने के लिए। ठीक है, सो ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स जब मिला के आप पढ़ेंगे, उनके लिए उनको अच्छे से समझने के लिए आपको प्रीवियस दो वीडियोस का देखना बहुत ज़रूरी है। वो एक प्री रिक्विजिट है इस वीडियो के, क्योंकि बूल डेटा टाइप ऑफ और बेसिक इफ एल्स स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग मैंने प्रीवियस दो लेक्चर्स में आपको दी थी, और उसके कॉन्टिन्यूएशन में ही आप अगर ये वीडियो देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इफ नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। सी, जब भी आप एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं कुछ ऐसा, सो इसमें जब पूरे इस वीडियो लेक्चर में जब मैं कहूँगी फर्स्ट इंडेंटेशन लेवल, तो इसका मतलब ये वाला इंडेंटेशन लेवल जिसमें आप कोई भी फ्रॉम द लेफ्ट स्पेसिंग नहीं करते वाइल राइटिंग, मतलब पहला इंडेंटेशन लेवल जहाँ से आप अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। और सेकेंड इंडेंटेशन लेवल क्या हो गया, जो इफ के अंडर स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं, जो चार स्पेसेस डालने के बाद या एक सिंगल टैब डालने के बाद अपियर होता है। सो अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल टैब डालूं तो ये सेकेंड इंडेंटेशन लेवल है। ठीक है, सो नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। जब भी हम फर्स्ट इंडेंटेशन लेवल पे चाहे एक इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिफ या एल्स लिख रहे हैं, और इनके विद इन जब हम सेकेंड इंडेंटेशन लेवल पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, तो अगर उन स्टेटमेंट्स में भी कुछ नए इफ कंडीशंस और कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या उनके साथ इफ के साथ एलिफ और एल्स आ रहे हैं, तब हम कहते हैं कि एक नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हमने लिखे हैं या नेस्टेड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमने लिखा है। सो इसका मतलब क्या है और ये कब यूज होता है और क्यों हमें ऐसी जरूरत पड़ सकती है नेस्टेड इफ एल्स की, अगर हमारे पास सिंपल इफ एल्स सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है ही। सो ये एक बेसिक एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने एक कॉस्ट वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैंने यूजर से इनपुट कराई है इनपुट फंक्शन के थ्रू। इनपुट फंक्शन कैसे वर्क करता है, या आप मेरी इनिशियल वीडियोस पाइथन 3 में की प्लेलिस्ट में जो मैंने इनिशियल वीडियोस बनाई हैं उसमें एक इनपुट फंक्शन के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। इस वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल में जो भी यूजर एंटर करेगा वैल्यू वो स्टोर हो जाएगी, और फिर मैंने इस कॉस्ट वेरिएबल की वैल्यू को दो वैल्यूज से कंपेयर कराया है, 100 और 500। और क्योंकि ये दो डिफरेंट कंडीशंस हैं, इन दोनों डिफरेंट कंडीशंस को साथ में कंबाइन करके मैंने इफ की एक सिंगल कंडीशन लिखी है यूजिंग अ लॉजिकल ऑपरेटर कॉल्ड एंड। तो मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिखी है। कॉम्प्लेक्स कंडीशन वो होती है जो मल्टीपल सिंपल कंडीशन से मिलके बनती है, और वो मल्टीपल कंडीशंस लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू जॉइन की जाती हैं। यहाँ पे एंड वो लॉजिकल ऑपरेटर है जो पहली और दूसरी कंडीशन को जॉइन करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंडीशन बना रहा है। जब इस पूरी कॉम्प्लेक्स कंडीशन का आउटपुट ट्रू आएगा तभी इफ के विद इन लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो एंड ऑपरेटर करता क्या है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली उसके राइट और लेफ्ट में लिखी हुई कंडीशंस की आउटपुट को कंपेयर करता है। अगर दोनों कंडीशंस का आउटपुट ट्रू है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का या इस पूरे कंबाइंड कंडीशन का आउटपुट भी ट्रू होगा, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है या दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं तो एंड का आउटपुट भी फॉल्स आएगा। सो इसीलिए अगर इस कॉम्प्लेक्स कंडीशन को हमें ट्रू बनाना है तो कॉस्ट की वैल्यू 100 से बड़ी भी होनी चाहिए और 500 से छोटी भी होनी चाहिए, यानी 100 और 500 के बीच लाई करनी चाहिए। सो एंड लॉजिकल ऑपरेटर डिमांड करता है कि उसके राइट और लेफ्ट में लिखी हुई दोनों ही कंडीशंस का बूल वैल्यू ट्रू आए तभी आउटपुट ट्रू आएगा। तो जब मैंने यहाँ पे 50 वैल्यू एंटर करी कॉस्ट की, कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई। ठीक है, अब मैं सेकेंड कंडीशन को फॉल्स करती हूँ लेकिन फर्स्ट कंडीशन को ट्रू रखती हूँ दोबारा एग्जीक्यूट करके। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू रखना यानी अगर ग्रेटर दैन 100 है, सपोज 2000 देती हूँ विच इज़ ग्रेटर दैन 100 बट इट इज़ नॉट लेस दैन 500। सो अगेन
यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। अब अगर मैं एक ऐसी वैल्यू देती हूँ जो 100 और 500 के बीच में है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू हो गई है, क्योंकि इस कंडीशन की वैल्यू भी ट्रू आई होगी और इस कंडीशन की वैल्यू भी ट्रू आई होगी। सो ट्रू एंड ट्रू गिव्स ट्रू, सो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को नेस्टेड इफ के थ्रू लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स ऐड करे हैं और एक एल्स भी ऐड किया है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसकी प्रिसिडेंस रिलेशनल ऑपरेटर से कम होती है। सी, ग्रेटर दैन और लेस दैन रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, और पहले ये दोनों कंडीशंस एग्जीक्यूट की जाएंगी और हमेशा दोनों कंडीशंस एग्जीक्यूट डेफिनेटली होंगी, चाहे पहली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। सो एंड के केस में आपको ध्यान में रखना है कि कंडीशंस की वैल्यू पहले निकाली जाएगी और फिर कंबाइंड कंडीशन, जो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। सो लॉजिकल ऑपरेटर की प्रिसिडेंस रिलेशनल ऑपरेटर की प्रिसिडेंस से कम होती है, ठीक है, तभी वो बाद में इवैल्यूएट किया जाता है। अब अगर मैंने इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कुछ ऐसे लिखा, जब मैंने फर्स्ट इंडेंटेशन लेवल में जो इफ लिखा है, यानी ये वाला इफ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट इंडेंटेशन लेवल का ही ये एल्स है। अब इस वाले इफ के अंडर मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे हैं, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट है और एक और इफ स्टेटमेंट है। तो क्योंकि फर्स्ट इंडेंटेशन के अंडर जो स्टेटमेंट्स हैं सेकंड इंडेंटेशन लेवल पे, उसमें भी एक इफ स्टेटमेंट आ रहा है, सो ये नेस्टेड इफ एल्स का केस है। जरूरी नहीं है डायरेक्टली इफ के अंडर नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही इफ स्टेटमेंट आना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट्स बाद भी अगर एक इफ आ रहा है विद इन द आउटर इफ, तो भी ये एक नेस्टेड इफ कहलाएगा। ये कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होनी चाहिए कि डायरेक्टली हमेशा ऐसी सिचुएशन हो गई। नहीं, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली इफ के आउटर इफ के अंडर ही इनर इफ हो, बीच में कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं लाइक दिस। सो यहाँ पे मैंने कैसे ब्रेक डाउन किया है, मैंने इनपुट लिया है यूजर से कॉस्ट वेरिएबल में। पहले मैंने पहली कंडीशन चेक करी है आउटर इफ में, अगर 100 से बड़ी है कॉस्ट की वैल्यू, तभी इस इफ स्टेटमेंट के अंडर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, पहला प्रिंट स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरी इफ कंडीशन जो कि मैंने यहाँ पे लिखी थी, कॉस्ट लेस देन 500, अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, आई विल बाय इट। तो यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के दोनों के ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा था, और इस सिचुएशन में भी पहली कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तभी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। क्योंकि अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा, और अगर फर्स्ट ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एक दूसरा तरीका है ऊपर वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को लिखने का। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, 50 मैंने इनपुट दिया तो डायरेक्टली एल्स में गया आपका कंट्रोल और प्रिंट हो गया फर्स्ट इफ इनवैलिड। अब अगर मैं 100 से ग्रेटर वैल्यू देती हूँ 200 और एंटर करती हूँ, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और क्योंकि 200 इज लेस देन 500 ये वैल्यू भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो आपका सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट भी प्रिंट हो गया, विच इज आई विल बाय इट। नाउ अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इफ के अंडर इफ ही लिखोगे, आप इफ के अंडर या एल्स या एलिफ के अंडर कंप्लीट इफ एलिफ एल्स लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इफ के अंडर इफ लिखा था, अब एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिखा है जिसमें इफ के अंडर मैंने इफ एल्स लिखा है, ठीक है। सो आप कितने भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो सेकंड इंडेंटेशन लेवल पे, और इनफैक्ट सेकंड इंडेंटेशन लेवल पे जाके उनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स में भी थर्ड इंडेंटेशन लेवल पे और इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो। सो ये एक और एग्जाम्पल है, इसमें मैंने यूजर से इनपुट लिया है एक नंबर, और फिर फर्स्ट इफ कंडीशन में चेक किया है कि अगर वो नंबर जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है तो
कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज प्रिंट हो जाएगा नेगेटिव नंबर। और जब पहला केस ट्रू होगा यानी पहली कंडीशन ट्रू होगी तो चेक होगा कि अगर नंबर जीरो है तो जीरो प्रिंट कर दो, एल्स पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर दो। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मैंने माइनस फाइव टाइप किया तो यहाँ पे प्रिंट हो गया नेगेटिव नंबर, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल एल्स वाले पार्ट में गया होगा। अगर मैंने यहाँ पे फाइव टाइप किया तो ये प्रिंट हो गया, क्योंकि कंडीशन ये चेक हुई होगी, फाइव नम में वैल्यू होगी फाइव, फाइव इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे चेक हुआ होगा अंदर आके क्या फाइव इज इक्वल टू जीरो। अगेन इक्वल टू इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू इज ऑल्सो अ रिलेशनल ऑपरेटर। नम वेरिएबल में वैल्यू है फाइव, फाइव जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ, और एल्स में लिखे हुए स्टेटमेंट प्रिंट हुए है, और ये वाला स्टेटमेंट है पॉजिटिव नंबर जो कि प्रिंट हो गया है। अब अगर मैं जीरो ही एंटर करती हूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप कि जीरो जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गया है। ओके, अब जैसा मैंने कहा था, जरूरी नहीं है आप इफ में ही सारे नेस्टिंग करें, आप इफ में नॉर्मल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं और एल्स में भी नेस्टिंग कर सकते हैं, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली आप एलिफ में भी नेस्टिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इफ एलिफ और एल्स में तीनों में नेस्टिंग हो, किसी में, किसी एक में या किसी एक दो में या तीनों में नेस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ के केस में मैंने एल्स जो फर्स्ट इंडेंटेशन लेवल पे है उसके अंदर इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स लिखे हैं एट सेकेंड इंडेंटेशन लेवल। सो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ साथ ऑड इवन भी चेक हो रहा है। तो अगर मैंने जीरो एंटर किया तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जीरो। सो ये कैसी कैसे ऑर्डर में चेक हुई होंगी कंडीशन, सबसे पहले इस स्टेटमेंट के थ्रू मैंने यूजर से इनपुट लिया, इस कंडीशन में चेक हुआ होगा क्या जीरो जीरो से बड़ा है, नहीं, सो एल्स पे कंट्रोल आया होगा। फिर चेक हुआ होगा क्या जो नंबर है जिसमें जीरो है जीरो के बराबर है, यस ये ट्रू है, तो ये प्रिंट हो गया होगा और बाकी सारी स्टेटमेंट स्किप हो गई होंगी। ठीक है, कुछ और वैल्यूज लेते हैं, माइनस फाइव लेके देखते हैं या माइनस फिफ्टी लेके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव इवन नंबर प्रिंट हो गया है, क्योंकि मैंने लिखा है नम मॉडुलो टू इज इक्वल टू जीरो। मॉडुलो ऑपरेटर मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में समझाया था, ये रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। तो मैंने माइनस फिफ्टी का माइनस फिफ्टी को डिवाइड करा है टू से और रिमाइंडर वैल्यू को कंपेयर किया है जीरो के साथ यूजिंग इक्वालिटी ऑपरेटर। सो अगर रिमाइंडर जीरो आया है तो प्रिंट हो गया है नेगेटिव इवन नंबर, और अगर मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूं और एक नेगेटिव ऑड नंबर डालूं तो यहाँ पे आउटपुट आएगा लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट विच इज ऑड नेगेटिव नंबर। अब मैंने पहला प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे इस तरीके से लिखा था जिसमें दो कंडीशन आपको चेक करनी थी और उसके लिए आपने दो सेपरेट कंडीशन लिखी थी यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन इस सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मैं एक और तरीके से, एक शॉर्ट तरीके से या कॉम्पैक्ट तरीके से भी लिख सकती हूँ, और वो कॉम्पैक्ट तरीका है कुछ ऐसे। सो यहाँ पे मैंने सेम वही दो कंडीशन चेक करी है कि कॉस्ट की जो वैल्यू यूजर ने इनपुट दी है वो 100 और 500 के बीच में लाइ करती है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफरेंट तरीके से लिखा है विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर और विदाउट यूजिंग टू डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, इन ब्रैकेट्स। सो यहाँ पे मैंने कॉस्ट को कंपेयर करा है कि क्या वो ग्रेटर देन 100 है और क्या वो लेस देन 500 है। सो यहाँ अगर जब ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। एक बार इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर मैंने 600 टाइप किया तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, अगर मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं हमारी गिवन कंडीशन को। और अगर मैंने एक ऐसी कॉस्ट की वैल्यू टाइप करी है जो कि इन बिटवीन है 100 और 500 के, तो ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ओके, अब लॉजिकल ऑपरेटर के केस में हमारे पास दो और ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं जो कि इफ एल्स के साथ यूज किए जा सकते हैं कंडीशंस को डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करने के लिए और फिर इफ एल्स या एलिफ के थ्रू चेकिंग करने के लिए। और वो दो ऑपरेटर्स हैं और एंड नॉट। तो तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास हो गए, नॉट और एंड, ठीक है। एंड का यूज मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको और
लॉजिकल ऑपरेटर समझाऊंगी. ओके, सो और लॉजिकल ऑपरेटर का मेन डिफरेंस फ्रॉम एंड लॉजिकल ऑपरेटर ये होता है कि एंड के केसेस केस में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी कॉम्प्लेक्स या जो कंबाइंड कंडीशन है उसका आउटपुट ट्रू आएगा. लेकिन और के केस में यहाँ पे जो दोनों कंडीशंस मैंने लिखी हैं वो ज़रूरी नहीं है दोनों ट्रू हो तभी और का आउटपुट ट्रू आए. अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है, दोनों हो तो भी आउटपुट ट्रू आएगा और का, लेकिन अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू होती है तो भी आउटपुट ट्रू आएगा. सो और कम स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर्ड टू एंड इन टर्म्स ऑफ कंडीशन चेकिंग. और एक और चीज, अगर और एग्जीक्यूट करते वक्त, मतलब इस पूरी कॉम्प्लेक्स कंडीशन को इवैल्यूएट करते वक्त पाइथन इंटरप्रेटर को ये पता लगा कि पहली कंडीशन ट्रू है और उसके बाद एक और ऑपरेटर है, सो पाइथन इंटरप्रेटर अपनी एग्जीक्यूशन वहीं रोक देगा, बाकी रिमेनिंग कंडीशंस को वो एग्जीक्यूट या इवैल्यूएट करके देखेगा ही नहीं, क्योंकि जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो यही है कि एक सिंगल कंडीशन भी अगर ट्रू है और के केस में तो पूरी कंबाइंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी. इसीलिए अगर स्टार्टिंग में आने वाली कंडीशंस में से कोई भी एक ट्रू हो जाती है और लॉजिकल ऑपरेटर के बाद जो कंडीशंस आ रही हैं उन्हें चेक नहीं किया जाता. इस केस में अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. और ये कंडीशन, ये जो कॉम्प्लेक्स कंडीशन है वो क्या कह रही है कि अगर वैल्यू जीरो से कम है या फिर 500 से ज्यादा है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो एक ही टाइम पे जीरो से भी कम हो, 500 से ज्यादा भी हो. इसीलिए अगर इन दोनों में से किसी एक का होना भी सही है या इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होती है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. सो मैंने जब इसे एग्जीक्यूट करा और मैंने एक नेगेटिव वैल्यू दी तो पहली कंडीशन ट्रू हुई थी. सो आपने देखा कि प्रिंट हो गई, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और प्रिंट हो गया इनवैलिड प्राइस, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट कंडीशन ही वैलिड है. फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई इसलिए सेकेंड कंडीशन चेक भी नहीं हुई होगी. और अगर मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूं और मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू दी से 800, इस केस में पहली कंडीशन फॉल्स है तो पूरी कंडीशन का आउटपुट ट्रू होगा या नहीं इसे इवैल्यूएट या इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें सेकेंड कंडीशन को इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा. सो इस केस में दोनों कंडीशन इवैल्यूएट हुई होंगी. मैंने जब इसे एंटर किया तो प्रिंट स्टेटमेंट आया इनवैलिड प्राइस, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स हो गई थी लेकिन सेकेंड कंडीशन ट्रू है. सो और यूज करने पे हमारा पूरा जो कॉम्प्लेक्स कंडीशन है उसका आउटपुट ट्रू आया है, इसीलिए प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके उसने रिजल्ट दिया है. अब लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज देखते हैं विद इफ एल्स, और वो ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर. सो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, बूल वैल्यूज को इन्वर्ट कर देता है. मतलब अगर किसी भी एक्सप्रेशन या कंडीशन की वैल्यू आई है, बूलियन आउटपुट आया है ट्रू, तो नॉट ऑफ ट्रू विल गिव यू फॉल्स. और ऐसे ही नॉट ऑफ फॉल्स का मतलब होता है ट्रू, यानी नॉट ऑफ फॉल्स को अगर आप प्रिंट कराओगे तो आपका रिजल्ट आएगा ट्रू. और ऐसे ही अगर आप इफ के साथ यूज करोगे नॉट ऑफ सम कंडीशन, सो इसका मतलब है कि इफ के विद इन लिखे हुए स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगे जब जो वो कंडीशन लिखी है वो फॉल्स हो, ताकि नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू बन जाए और फिर वो कंडीशंस एग्जीक्यूट हो, फिर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो. सो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. तो इस केस में मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है, एज जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 20 दी है, और अगर एज की वैल्यू 18 या 18 से ज़्यादा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट लगाया है तो पूरी इफ की कंडीशन क्या बनती है कि जब एज की वैल्यू 18 या 18 से ज़्यादा नहीं है, अगर ये पूरी कंडीशन ट्रू होती है, इसका आउटपुट ट्रू आता है, तो प्रिंट करो यू कैनॉट वोट. सो अब अगर मेरे पास एज की वैल्यू 20 है, सो सबसे पहले आपको अगर ये समझना है आप ब्रैकेट्स के विद इन लिखी हुई कंडीशन का आउटपुट कैलकुलेट करो. सो एज की वैल्यू है 20, क्या 20 18 से बड़ा है, हाँ हाँ, मतलब ट्रू आएगा इस कंडीशन का आउटपुट.
लेकिन नॉट ऑफ ट्रू मैंने आपको बताया फॉल्स हो जाएगा. सो इफ नॉट ऑफ ट्रू इस पूरी कंडीशन की वैल्यू आ रही है फॉल्स, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा और इसका आउटपुट आएगा यू कैन वोट. अब अगर मैं इसे ही 20 चेंज करके 2 कर देती हूँ, सो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी एज 18 से बड़ी नहीं है. सो नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू हो जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. सो आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा यू कैनॉट वोट. ठीक है, अब ये आपको आउटपुट मिलेगा. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज में या कोई भी ऐसा इंटीजर जो जीरो नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो कॉरस्पॉन्ड करेगा बूल ट्रू के साथ. और ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, उसकी भी कॉरस्पॉन्डिंग बुलियन वैल्यू या बूल वैल्यू होगी पाइथन में ट्रू. लेकिन कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग और जीरो न्यूमेरिक वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग पाइथन वैल्यू होती है, पाइथन बूल वैल्यू होती है फॉल्स. ठीक है, इसी को पता लगाने के लिए, मतलब किसी भी पाइथन वैल्यू का कॉरस्पॉन्डिंग बूल वैल्यू पता लगाने के लिए एक फंक्शन प्रोवाइड करता है पाइथन आपको, जिसे हम कहते हैं बूल फंक्शन. सो इसमें आप कोई भी वैल्यू ऐसी अगर पास करते हो जिसकी आपको कॉरस्पॉन्डिंग बूल वैल्यू पता लगानी है, तो आउटपुट आ जाता है. सो जीरो कॉरस्पॉन्ड करता है फॉल्स के साथ, तो इसलिए आउटपुट आया है फॉल्स. अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा ट्रू. जैसे मैंने आपको कहा एन एम्प्टी स्ट्रिंग कॉरस्पॉन्ड्स टू फॉल्स, तो एम्प्टी स्ट्रिंग से फॉल्स आ जाएगा. और अगर मैं कोई भी वैल्यू लिख दूँ इस स्ट्रिंग में और एग्जीक्यूट करूँ तो ये ट्रू आ जाएगा. सो नॉन एम्प्टी एंड नॉन जीरो वैल्यूज आर ट्रू बूल वैल्यूज इन पाइथन 3, ये आपको याद रखना है. ठीक है, इसके साथ एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. जो मैंने अभी बूल का या नॉन एम्प्टी और नॉन जीरो का कॉन्सेप्ट आपको बताया, वो इफ एल्स के साथ अब कैसे यूज होगा. सो अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जेड और उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करी है एक्स वाई जेड, तो जब मैं ऐसा कुछ एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करती हूँ इफ ऑफ जेड, सो यहाँ पे क्या चेक होगा. यहाँ पे मैं किसी तरह का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं किया है मैंने, तो एक्चुअली पाइथन इंटरप्रेटर ये चेक करेगा कि जेड की जो भी वैल्यू है वो नॉन जीरो और नॉन न्यूमेरिक है, तो ये कंडीशन, तो ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा और तभी उसके विद इन लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. जैसे यहाँ पे हेलो एग्जीक्यूट हो गया है. लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एम्प्टी स्ट्रिंग, जिसे मैं सिंगल कोट्स के साथ भी लिख सकती हूँ, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है और कुछ प्रिंट नहीं होगा. ऑलराइट, सो आई थिंक इन कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है जब भी आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं. तभी ये लेक्चर एक एडवांस्ड इफ एल्स स्टेटमेंट के नाम से मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको इसमें बताए, नेस्टेड इफ एल्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स को आपको कैसे कंबाइन करना है रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ और क्या उनकी फंक्शनैलिटी होती है, और बूल के बारे में भी, बूल फंक्शन के बारे में भी आपको बताया मैंने. सो आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं है. आपको इस वीडियो का अगर फीडबैक देना है तो प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के नीचे में आप हमें फीडबैक दे सकते हैं इस वीडियो के कॉरस्पॉन्डिंग. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल बटन को नहीं दबाया है, तो प्लीज़ यूट्यूब के हमारे होम पेज, चैनल के होम पेज पर जाके सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. बेल बटन या जो बेल सिंबल है उसे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम एक नई वीडियो अपलोड करें आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर आए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. ऐसे ही हमारे चैनल के कॉरस्पॉन्डिंग एक फेसबुक पेज हमने बनाया है, आप उस पर भी जाके उसे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, ताकि नई वीडियोज़ या नए लिंक्स जब हम उस पर डालें, वीडियोज़ के लिंक्स हम उस पर अपलोड डालें, तो आपको वहाँ की भी नोटिफिकेशन अपने फेसबुक पेज पे मिले. और अगर आपको कोई भी डाउट है इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप
फेसबुक पेज पे हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं इस वीडियो के लिंक के नीचे। फीडबैक आप यूट्यूब के कमेंट्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की अपने आप को और आपको हेल्प करने की, अगर आपको कोई भी क्वेरी है। सो डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग, नो डाउट इज स्मॉल। प्लीज कीप ट्राइंग पाइथन। आई कम बैक विद मोर सच वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पाइथन 3। अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब में मेंशन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं कोई भी डाउट या क्वेरी है अगर आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन पाइथन 3 एज वेल एज अदर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स। थैंक यू।